हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शांतु ने, आप देख रहा है टेक्नो छात्र यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में बात करूँगा व्हाट्सएप टॉप 10 हिडन सीक्रेट सेटिंग का। ये अगर सेटिंग आप अप्लाई करेंगे तो आपका फ़ोन में आप भी हो सकता है व्हाट्सएप में बहुत ही मतलब फेमस हो जाएंगे आपके फ्रेंड के साथ, अगर आपके पास गर्लफ्रेंड है तो उसका साथ, क्योंकि ये जो सेटिंग होने वाला है बहुत ही खास। आप इस सेटिंग को डेली देखते हो लेकिन आप कभी भी इसको अप्लाई नहीं करते हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इस सेटिंग को अप्लाई कैसे करें और इस सेटिंग को अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या देखने को नया मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप डिलीट व्हाट्सएप का रिकवरी का वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कैसे आप, अगर आपके पास व्हाट्सएप डिलीट हो गया तो उसको कैसे रिकवरी करते हैं, अगर किसी भी चैट डिलीट हो गया तो उसको कैसे रिकवरी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आप हमारा इस टाइप का वीडियो उसका बाद भी मिल जाएगा आपके पास। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, मैं मेरा मोबाइल का स्क्रीन पर चलते हैं और मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। दोस्तों, ये वाला ट्रिक देख लिया, यहाँ पे आप भी यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शेयर कर सकते हैं किसी भी फ्रेंड के साथ आप ये वाला। तो चलिए सबसे पहले इसको बैक कर लेते हैं, फिर से जो नया ट्रिक है उसका ओर से चलते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है बैक पे, यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सेटिंग है। इस सेटिंग को अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ इस वीडियो को ज़रूर देखना है। सबसे पहले आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे अकाउंट पे, अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्राइवेसी, आपका प्राइवेसी सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लिक कर देना प्राइवेसी पे। यहाँ पे जैसे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है लास्ट सीन, चाहे तो आप यहाँ पर लास्ट सीन माई कॉन्टेक्ट जैसे मैंने रखा ये भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हो, स्टेटस भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हो आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो ये कोई किसी को ना दिखाई दे तो आपको क्लिक करते हैं नोबडी पे। अगर लास्ट सीन तो माय कॉन्टैक्ट है, ये दूसरा बंदा नहीं देख सकता हमारा। यहाँ पे जो है रीड रिसिपिएंट्स ये है, ये अगर आप टर्न ऑन करेंगे तो आप जिसको आप भेजते हो किसी का मैसेज आप पढ़ लेंगे लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा जो आपने पढ़ लिया या नहीं, ठीक है। और तीसरा जो सेटिंग है फ्रेंड्स, ये है सिक्योरिटी सेटिंग, क्लिक कर देना सिक्योरिटी पे। यहाँ पे आपको यहाँ पे इसको जो ऑन कर देना है तब आपको क्या होगा, आपका जो व्हाट्सएप का सिक्योरिटी वो भी बढ़ जाएगा। तीसरा सेटिंग है फ्रेंड्स, इसके लिए आपको बैग आना है, फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना टू स्टेप वेरीफिकेशन, यहाँ पे क्लिक कर देना है इसको। आपको पता है ये टू स्टेप वेरीफिकेशन गूगल ब्राउज़र में रहता है, इसको अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले कर देना है इनेबल्ड पे, फिर यहाँ पे आप एक किसी भी पासवर्ड रख लीजिए जो जैसे मैंने 00 कर दिया, फिर से कंफर्म कर लीजिए, फिर यहाँ पे ईमेल आईडी आपको देना है तो दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे स्किप बटन है, आप यहाँ पे स्किप कर दीजिए, फिर यहाँ पे ओके कर दीजिए तो ये अप्लाई हो जाएगा। तब आप कुछ देर बाद जब खोलेंगे तो आप देखिए ये हो गया टू स्टेप वेरिफिकेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है सिक्योरिटी के लिए। अगर ये हो जाएगा तो आपको क्लिक कर देना है वहाँ पे डन पे, हो गया। यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे डिसेबल करेंगे तो डिसेबल, ये है चेंज पिन, ये है ऐड मेल एड्रेस, ये हो गया फ्रेंड्स। फिर से यहाँ पे है, अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देना है मोबाइल नंबर चेंज पे, फिर से यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कुछ लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपका ओल्ड नंबर और ये न्यू नंबर देना है, फिर ओटीपी आएगा, फिर आप यहाँ पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। अगर बात करेंगे ये एक टॉप सीक्रेट सेटिंग, ये है सिक्योरिटी अकाउंट्स इन्फो, क्लिक कर देना है यहाँ पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रिपोर्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देना है रिक्वेस्ट रिपोर्ट। ये अगर आप करेंगे तो इसको करके आपके पास जितना सारा आपने अभी तक व्हाट्सएप यूज़ करा है उसका जो एक फाइल ये लोग भेज देगा आपका मेल पे, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं किस चीज़ का आपके पास नंबर है, क्या क्या आप चैट कर रहे हैं, कौन कौन सा मैसेजेस भेजे हैं, सब कुछ देख सकते।
और तीसरा जो है यहाँ पे बहुत सारा होने के बाद भी यहाँ पे चलिए सबसे पहले एक मेन टॉपिक देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारा ग्रुप है। ये देखिए ये टू स्टेप वेरिफिकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी अभी मैंने लगाया तो ये आ गया ना, देखा तो यहाँ पे मैंने लगाया था ये वाला पासवर्ड, तो ये वाला पासवर्ड डाला ओपन हो गया। जैसे अगर मैं चाहता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा ग्रुप है, लेकिन मैं किसी एक बंदा का इसका जो मैं चाहता हूँ इसको हमेशा इसको ये बीच में आ जाएगा चैट होते होते, इसको मैं चाहता हूँ ये किसी भी हाल में इसको ऊपर लाना चाहता हूँ। तो सब इसको ऊपर लाने के लिए आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे देख सकते हो तीन बटन, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो डिलीट या म्यूट ये कर देना है। यहाँ पे पिन पे क्लिक तो देख सकते हो ये ऊपर आ गया, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारा ये देख सकते हो, जैसे यहाँ पर हो गया 388, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है क्लिक। फिर यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है क्लिक, अगर आप इस ग्रुप को एग्ज़िट करना चाहते हो तो क्लिक कर देना है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, वेट करने के बाद आपको एकदम ऊपर आना है, ऊपर आने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है, जैसे कि यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर जाना है और भी ऊपर यहाँ पे है एग्ज़िट ग्रुप, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एग्ज़िट हो जाएंगे आप। अगर आप इस चैट को, इतना सारा चैट हो गया, अगर आप चाहते हैं तो डिलीट करना है एक झटका में तो आपको अगर आप चाहते हैं तो आपको क्लिक कर देना है यहाँ पे जो थ्री डॉट है, थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है मोर ऑप्शन, इधर मोर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक क्लियर चैट वाला ऑप्शन है, कर देना है क्लियर चैट। फिर से आपको यहाँ पे एक देख सकते हो डिलीट मीडिया विथ चैट, क्लियर कर देना है यहाँ पे क्लियर। फिर उसके बाद एक सेकंड में आपका जो चैट देख सकते हो यहाँ पे कितना था, अभी कितना है, मेरा जो चैट पूरा डिलीट है। बैग आते हैं तो देखा फ्रेंड्स कैसे हो गया डिलीट एक झटका में, है ना, बहुत कमाल का ट्रिक। तो दूसरा भी मैं करके दिखाता हूँ कैसे। क्लिक कर देना है चैट पे, यानी जो भी ग्रुप है क्लिक कर देना है चैट पे, यानी जो भी ग्रुप है, उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट मिल जाएगा कॉर्नर पे, क्लिक कर देना है यहाँ पे। फिर क्लिक कर देना है मोर पे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अगर एग्जिट ग्रुप करना चाहते हो तो यहाँ पे एग्जिट ग्रुप, रिपोर्ट करना चाहते हो रिकॉर्ड ये एक्सक्लूड ये ऐड शॉर्टकट, कुछ नहीं क्लियर चैट कर देना है। फिर से एक पॉपअप मैसेज शुरू होगा, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूँ है। फिर क्लिक कर देना है यहाँ पे क्लियर पे, देखिए क्लियर पे क्लिक कर दिया तो तुरंत हो गया डिलीट एक सेकेंड पे, है ना कमाल का फ्रेंड्स। ऐसे करके आप भी किसी भी चैट को डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते हैं जो ये वाला जो चैट है, ये तो पिन पे है, छोड़ियो, ये जो है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, क्योंकि वो वाला वो कोई अगर फ्रेंड्स लेता है तो इसको हाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो जान लेगा आपका जो क्या क्या ये है, यानी कौन सा ग्रुप पे है, सॉरी थोड़ा सा मजाक कर रहा। तो क्लिक कर देना इस चैट को सिलेक्ट, सबसे पहले देखा सिलेक्ट हो गया, फिर से क्लिक कर देना है यहाँ पे, अगर आप करेंगे तो म्यूट होगा, म्यूट नहीं फिर कर देना है आपको यहाँ पे जो पिन बटन पे, यहाँ पे देख सकते हैं कर देना है यहाँ पे पिन, तो मैं कर देता हूँ यहाँ पर पिन, देख सकते हैं सॉरी यहाँ पे पिन हो गया ना ये गायब, चैट पिंड हो गया बस। आपको ये दिखाई नहीं देगा कहाँ पर है। अगर आप जाते हो तो किसी बंदा को, बंदा का जो आप मोबाइल नंबर सेव करके उसको व्हाट्सएप में व्हाट्सएप भेजेंगे, तो सबसे पहले आप जाएंगे क्या कहाँ पर आप जाएंगे, सबसे पहले डायल पैड पे, वहाँ पे जाके आप उनका जो नंबर डायल करेंगे, यानी यहाँ पर डायल करेंगे जो भी है ठीक है ना, डायल करेंगे। फिर आप वहाँ पे जाएंगे, सेव करेंगे इसको ऐड टू कॉन्टैक्ट, फिर आप जाएंगे उसका सेटिंग करके, लेकिन कुछ नहीं करना है, ये भी आप आसान तरीक़े से कर सकते हो। सबसे पहले आपको ओपन कर लेना का व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे ओपन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे चैट ऑप्शन तो पता ही होगा, यहाँ पे कर देना है यहाँ पर चैट पे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे, देखिए न्यू ग्रुप न्यू कॉन्टैक्ट, यानी आपको क्लिक कर देना न्यू कॉन्टैक्ट पे, जिसका आप उस नंबर सेव करना चाहते हैं, कौन सा डिवाइस पे सेव करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे मैंने फ़ोन पे
सेव करना चाहता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे उसका नेम डालूँगा जो भी है ABC, फिर उनका यहाँ पे आएंगे, फिर उनका नंबर डायल करना है। जैसे मैं डायल कर देता हूँ, सॉरी ये थोड़ा सीक्रेट है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको उसका नंबर डाल के उसका सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको आ जाएगा उसका व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप उसको मैसेज भेज सकते हो, है ना कमल का। तो इसी तरह आप वीडियो देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ज़रूर, और वीडियो को एक लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। अगर आप भी चाहते हो जो आपका डिलीट व्हाट्सएप का मैसेज पाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना, आई बटन पे एक वीडियो है उसको देखना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वीडियो दे दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो इस वीडियो को, तभी आप भी पाएंगे कैसे डिलीट कर चैट रिकवर कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतने काफ़ी है, वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है दोस्तों, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है।